सभी दोस्तों को मेरा यानी कि आर एस चहल का नमस्कार। दोस्तों आज एक जोक मैं आपको पट्टी का बता रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त जोक है। तो ये पट्टी जो है हम काफ़ी समय से इसका निर्माण और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा समय तक लगा के नहीं रखनी पड़ती है, सिर्फ आप शाम को सोते टाइम लगा लें और 12-1 बजे उतार दें तो ये पट्टी अपना कार्य कर लेती है। तो 2 से 3 पट्टी कितनी भी लिंग की कमज़ोर नसें हो, सोई हुई नसें हो और उनमें ब्लड का फ्लो कम हो गया हो, वीकनेस हो, नसें फूली हुई हों, तो सभी जगह बहुत अच्छा कार्य करती है। तो चलिए फिर पट्टी का जो आपसे शेयर करता हूँ। लिंग की सोई हुई नसें डेड निर्मूल जो नसें हो जाती हैं, जो मुरझा जाती हैं, चाहे हस्तमैथुन की वजह से हो या किसी और कारण से हो, तो उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक पट्टी जो आज हम बना रहे हैं तो ये बहुत फ़ायदा करती है। लगभग 3 से 4 पट्टियों में पुरानी से पुरानी समस्या भी सॉल्व हो जाती है। तो ये पट्टी आज हम निर्माण कर रहे हैं कमज़ोर नसों के लिए, ब्लॉकेज के लिए, नामर्दी के लिए, तो जिनको उत्तेजना नहीं आती है, बिल्कुल उत्तेजना ख़त्म हो गई है, उनके लिए ये ज़बरदस्त लाजवाब पट्टी है। पहले मैंने इसका 3 पेशेंटों पर रिजल्ट लिया है, फिर मैंने आपसे शेयर की है, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। जितना इसका गुणगान किया गया है तो उतना ही इसका अच्छा परिणाम है। तो इसमें जो है सिंगरफ का तेल है, हड़ताल है, बादाम है और संखिया है, दतूरा का फल है, दतूरा का कच्चा फल और लौंग है, अकरकरा है। तो ये काफ़ी औषधियों के मिश्रण से हम तैयार करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई बंधु नए आए हैं चैनल पे, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन सभी का भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस पट्टी के ज़बरदस्त परिणाम पहले हमने देखे, फिर ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम परिणाम देख ना लें तो हम किसी चीज़ के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। हालांकि एक पट्टी हमने पहले भी अपने चैनल पर डाली हुई है तो वो उस पट्टी के भी परिणाम अच्छे हैं, लेकिन इसके जो परिणाम हैं उस पट्टी से बहुत ज़्यादा हैं। पट्टी जैसे ही आप लगाकर सो जाओगे तो लगभग 12-1 बजे आपको ये पट्टी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और पूरे के पूरे गुप्तांग पे नहीं लपेटना है इसको, सिर्फ ऊपर की जो नसें होती हैं बस उसी उसी पे लपेटना है। तो कैसे इसको लगाना कैसे है वो विधि भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा नामर्दी से परेशान हो, जिनको उत्तेजना खाने वाली दवाइयों से कभी उत्तेजना ना आई हो, तो उनको इस पट्टी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो बिल्कुल निराश हो चुके हों, उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि अब तो उत्तेजना आएगी ही नहीं, तो ऐसे रोगियों के लिए है। तो अभी इसको 7-8 घंटे मैंने खरल कर लिया है, देखिए आप बिल्कुल ये ऐसे हो गया है। तो ये मिश्रण जो है अभी हमारा तैयार हो गया है। अभी इसको लगाना कैसे है तो ये विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस विधि से आप इसको लगाएंगे। तो जो भाई बिल्कुल निराश हैं, जिनको ये लगता है कि उत्तेजना आएगी ही नहीं, नसें बिल्कुल डेड हो गई हैं, तो उनके लिए ये एक जो है अमृत है, उनके लिए एक जो नई जिंदगी देने वाली पट्टी है। तो ऐसे आप कोई पट्टी का टुकड़ा ले लें और साथ में ये औषधि लगाने के लिए आप कोई छोटा सा जो है कोई टुकड़ा ले लें, कोई जिससे आपकी ये पट्टी पे दवाई लग सके। तो इसको कैसे लगाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो
इसको लिंक के नीचे नहीं लगाना है, ना ही जो हमारा कोमल पार्ट होता है, जो सेंसिटिव पार्ट होता है, वहाँ पे भी नहीं लगाना है। वहाँ पे अगर टच हो जाएगी तो इस पे आपके जो है छाले वगैरह पड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी त्वचा काफ़ी कोमल होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए ऊपर की नसों पे लगानी है, सिर्फ साइडों पे भी नहीं लगानी है। तो पट्टी पे जो दवाई लगानी है ये बिल्कुल ध्यान से लगानी है, सीध में लगानी है, इधर उधर ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो वैसे तो कोई नुकसान करती नहीं है इधर उधर जाने से दवाई, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। फिर जो जितनी दवाई ऊपर ऊपर की नसों पे लग जाए, बस उतनी ही दवाई आपने लगानी है। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल सीध में लगानी है, इस तरीके से। यानी ऊपर नीचे अगर दवाई लग भी जाए तो उसका नुकसान भी नहीं है, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए कॉस्टली मेडिसिन है, आप सिर्फ ऊपर ऊपर की परत पे लगाएंगे, तो ऐसे एक सीध में रेखा खींच लें पट्टी पे। तो ये पट्टी कैसे बनानी है, कैसे तैयार करनी है, ये विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिन भाइयों ने ये दवाई बनी बनाई मंगवानी है वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये पट्टी का मैंने ज़बरदस्त परिणाम देखा, तभी मैंने आपसे शेयर किया है। तो तीन पट्टियों का कोर्स हम भेज देते हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं मेरे से, उनको प्राइस वगैरह बता देंगे। तो काफ़ी मेहनत का कार्य है, इसलिए जिन भाइयों को ज़रूरत हो सिर्फ वही हमसे संपर्क करें, अन्यथा फालतू की चैटिंग ना करें, फालतू की चैटिंग करने वाले दूर रहें। तो ये इसके ज़बरदस्त परिणाम मैंने पहले तीन पेशेंटों पे देखे हैं, तभी उसके बाद मैंने आपसे शेयर किया है। मान लीजिए, सपोज करिए कि ये आपका लिंग है, जो पेन मैंने हाथ में ले रखा है, तो आगे की जो चमड़ी होती है सेंसिटिव पार्ट, उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस विधि से लगा लें, ऐसे आगे की जो कोमल त्वचा है उसको छोड़कर इस तरीके से लगा लें। मान लीजिए आप इसको 8 बजे इस्तेमाल करते हैं, 8 या 9 बजे लगा के सोते हैं, तो 1 बजे 2 बजे आपका अपना असर दिखा देती है ये। तो इसको लगा के सो जाएं आप, और अपने आप आपको उत्तेजना महसूस होगी, जैसे कीड़ियों की झुनझुनाहट होती है, इस तरीके से आपके लिंग में उत्तेजना शुरू हो जाएगी। तो ये पट्टी का 3 से 4 पट्टियों का कोर्स है, 3 पट्टियों का ही कोर्स है, 3 पट्टियों में पुरानी से पुरानी समस्या भी निर्मूल हो जाती है। तो इस विधि से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। अगर कोई अंदरूनी कमी है तो साथ में शरीर का खाने वाली दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो अगर जो भाई सिर्फ पट्टी ही मंगवाना चाहते हैं वो पट्टी मंगवा लें, तो जिन्होंने हस्त मैथुन की वजह से नुकसान कर लिया हो, तो लिंग में उत्तेजना उत्थान ना आता हो पूरा, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पट्टी है। तो ये जो है अभी हम इसको सेव करके रख लेंगे, तो मैंने आपको विधि बता दी है, तो अभी मैं इसको संभाल के रख लूँगा जो मेरे पास जो मैंने तैयार की है, क्योंकि ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं निर्माण होती हैं। अभी इसको बिल्कुल टाइट किसी डब्बी में डाल के रख लेंगे, ताकि जो है औषधि सूख ना जाए। वैसे तो सूखने के बाद भी रिजल्ट देती है, लेकिन फिर भी औषधि को संभाल के रख लेंगे इस विधि से। तो ये लिंग की ज़बरदस्त पट्टी, नस नस में जोश जगाने वाली। आप सभी से यही निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।